गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिवीजन। आज से हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे और आपके आ रहे हैं एक पोयम आ रही है जो कि है द रिबेल। रिबेल कौन होते हैं? विद्रोही, विद्रोह करने वाले, है ना। तो आपको इस पोयम को लर्न करना है, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो किस तरीके से आएंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती भी जाती हूँ। अ रिबेल इज अ पर्सन हु ऑलवेज डिसअग्रीज विथ एवरीवन। रिबेल वो इंसान होता है, विद्रोही वो इंसान होता है जो मतलब हमसे मतलब क्या नहीं होता, एक जो भी राय होती है उस पर वो हमसे हार नहीं मिलाता है, वो क्या करता है उसके अगेंस्ट जाता है, उसके खिलाफ जाता है। और लाइक्स टू डू अपोजिट ऑफ व्हाट एवरी थिंग शुड डू। और वो हमेशा जो लोग उससे चाहते हैं उसके विपरीत करने की कोशिश करता है। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट सच अ पर्सन। और इस पोयम में जो कवि है उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है कि रिबेल कौन होता है। और इस पोयम के राइटर है डीजे एन राइट। आपको पोएट का नाम हमेशा याद रखना है, ठीक है। देन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, द रिबेल लेट हिज ग्रे हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सब लोग, एवरीबडी सब लोग अपने बाल क्या करते हैं, छोटे करवा लेते हैं, द रिबेल लेट इट ग्रो लॉन्ग, उन्हें क्या करता है, बढ़ने देता है। वेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर, द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। और जब सब अपने बाल लंबे करते हैं तो वो क्या करता है, उन्हें काट लेता है, मतलब अपोजिट करता है। When everybody talks during the class, the rebel doesn't say a word. और जब सब लोग बात करते हैं क्लास के दौरान, मतलब बातें करते रहते हैं, तो वो एक शब्द नहीं बोलता रिबेल। When nobody talks during the class lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कोई बात नहीं कर रहा होता, सब चुप होते हैं, तो वो उस टाइम पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है लोगों को। When everybody wears a uniform, जब सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, द रिबेल ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लोथ, वो बहुत अच्छे कपड़े में तैयार होके आते हैं। वेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ, द रिबेल ड्रेसेज सोबरली। और जब सब बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म जैसे या सोबर कपड़े पहनकर आते हैं। इन द कंपनी, अब यही क्वेश्चन आपके किस तरीके से आ सकते हैं कि जब सब लोग बात क्लास के दौरान बात करते हैं तो रिबेल क्या करता है, चुप रहता है, ही डजंट टॉक, ही टॉक्स अ लॉट, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, जब सब लोगों को कैट पसंद होती हैं, बिल्लियां पसंद होती हैं, द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, वो किसको पसंद करते हैं, डॉग्स को। When everybody and in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for dogs. और जब सब लोगों को dogs पसंद होते हैं तब तो उसे cat पसंद होती है, और जब सब लोग cat के preference में बात करते हैं या favor में तो उसे कौन पसंद आता है, dogs. When everybody is praising the sun, जब सब किसकी तारीफ करते हैं, sun की, the rebel remarks on the need for rain. तो अब rebel कहता है कि अब तो क्या होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। When everybody is greeting the rain, और जब सब greet कर रहे हैं बारिश को, यानी बारिश की तारीफ कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अब क्या हो जाए, बारिश हो जाए, the rebel regrets the absence of sun. तो उस टाइम पे rebel क्या चाहता है कि क्या होनी चाहिए, sun आ जाना चाहिए। मतलब उसका यही काम है कि जब जो हमेशा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपोजिट या कुछ अलग करना पसंद होता है, वो जो सब लोग करते हैं उन्हें वो पसंद नहीं होता, rebel उसी तरीके के लोग होते हैं। When everybody goes to a meeting, जब सब मीटिंग में जाते हैं, the rebel stays at home and reads a book. उस टाइम पे रिबेल घर रहते हैं और किताब पढ़ते हैं। When everybody stays at home and reads a book, और जब सब घर पर रहकर किताब पढ़ते हैं, the rebel goes to meeting. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सब किताब पढ़ते हैं तो रिबेल क्या करता है ना। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. और जब सब कहते हैं कि यस प्लीज, हाँ सही है, मुझे ये चाहिए, तो रिबेल मना कर देता है, नो आई डोंट वांट टू दिस। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, द रिबेल सेज यस प्लीज। और जब सब कहते हैं ना कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए या नो थैंक यू, उस टाइम पे रिबेल कहता है हाँ मुझे ये चाहिए। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन।
ऐसा कहा जाता है कि रिबेल होना इतनी कोई गलत बात नहीं है, बट हर कोई रिबेल बनना नहीं चाहता है, क्योंकि रिबेल बनने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत है। इट इज नॉट क्वाइट इजी टू से रॉन्ग टू रॉन्ग, है ना, गलत को गलत कहना बहुत हर किसी में नहीं होता ऐसा कि वो गलत को गलत कह पाए और सही को सही कह पाए। इट इज नॉट लाइक दैट, एंड रिबेल होना भी कोई बड़ी बात नहीं है और गलत बात भी नहीं है। ये पोयम हमने रिवाइज कर ली है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आपको भेज दूंगी, आपको उनको करना भी है और लर्न भी करना है। थैंक यू।